कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और गौ सेवक सरजीत घोष ने स्मृति नगर में एक घायल गौवंश का उपचार कराकर उसे स्वस्थ किया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से गौवंश घायल हो गई थी, जिसे पशु चिकित्सक के माध्यम से स्वस्थ किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गौवंश की करी जा रही सेवा से प्रेरित होकर कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरजीत घोष ने गौवंश की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत स्मृति नगर में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल गौवंश का पशु चिकित्सकों के माध्यम से उपचार कराकर सरजीत घोष ने मानवता की मिसाल पेश की है। शुक्रवार रात से स्वयं घोष द्वारा घावों पर हल्दी का लेप लगाया जा रहा था। शनिवार को गौवंश का उपचार करने क्षेत्र के पशु चिकित्सक को बुलाया गया, जिन्होंने गौवंश का समुचित उपचार कर उसे स्वस्थ किया है। अब गौवंश चलने फिरने के काबिल हो चुका है। अध्यक्ष सरजीत घोष ने गौवंश के उपचार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये कल रात से स्मृति नगर सड़क नंबर 30 के सामने से बहुत यहाँ पे स्पीड में गाड़ी चलता है, तो किसी अज्ञानी ने एक अज्ञानी प्राणी को ठोक दिया और बेचारे रात भर तड़पते रही। हम सुबह डॉक्टर साहब को बुलाए, क्योंकि रात को हमने तेल और हल्दी उसके शरीर में मल दिया था, और मलने के पश्चात उसको थोड़ा आराम मिला, कुछ खाना दिया तो गाय शांत होने लगी। और साथ ही इस प्रकार का रोड साइड एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, लोगों को थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए, क्योंकि गाय है, जानवर है, इनको देखते हुए ये काम करना चाहिए, चलाना चाहिए गाड़ी। किसी कार वाले ने बहुत बेदर्दी से कुचला है, जिससे उसके सामने का पैर जो था वो उखड़ गया था, तो उसे हम आज ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी देर से, क्योंकि आज पोला त्यौहार भी है और एक गाय इस प्रकार की पड़ी रही है, हम लोगों से ज़रा जच नहीं रहा था, और वैसे भी हम गौ सेवा करते ही हैं, तो आज ऐसा बोलिए कि एक सेवा का गौ माता ने हमें दिया, तो हमने सेवा करने के लिए कहीं भी नहीं चूके और हम उसको तत्पर निभाए। बहरहाल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का यह कार्य सराहनीय है, उन्होंने लगातार इस कार्य को जारी रखे जाने की बातें कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।